हेयर ट्रांसप्लांट के इस सीजन में इस वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर जाहिर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम हेयर से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करते हैं। दोस्तों आज जब से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उसके बाद से कई क्वेश्चन, कई सवाल मेरे पास में आए और उनमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन है, यानी कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो उसके बाद जो रिजल्ट आपका आता है तो क्या ये लाइफ टाइम तक रहता है, रहेगा। सबसे पहली चीज ये क्लिनिक आपको कई जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि वो आपको ये कहते हैं कि हाँ जो आपका रिजल्ट है वो लाइफ टाइम तक रहेगा। दोस्तों ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और जो रिजल्ट आपके हैं वो हमेशा उसी तरह से बने रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि 100 लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, रिजल्ट सभी के अच्छे थे। अब होता ये है कि उनमें से 25% लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसप्लांटेड हेयर जो रिजल्ट है वो लाइफ टाइम तक रहता है। इसके बाद 60% लोग ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट 20 साल से 25 साल तक रहता है। अब रहा 20% लोग, इनमें से ऐसे होते हैं 2 से 10 साल के अंदर अपना हेयर जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो लूज करने की क्षमता रखते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे कई वजह होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है डिपेंड ये करता है कि जो ग्राफ्ट आपके लिए गए हैं बैक डोनर एरिया से, जो डोनर एरिया होता है पीछे बैक साइड पे, वहां पर डीएचटी का कुछ हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है तो कुछ हिस्सों पे प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि एक स्टेबल साइट होता है दूसरा अनस्टेबल साइट होता है। अगर स्टेबल साइट से ग्राफ्ट्स लिए गए हैं तो उस पर डीएचटी का प्रभाव नहीं पड़ता और वो बाल, वो हेयर आपके लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे जो डोनर एरिया से अनस्टेबल साइट से ग्राफ्ट्स निकाले गए हैं तो वो 2 से 10 साल के अंदर में लॉस होने की, गिरने की संभावना उस पर ज़्यादा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जहाँ से आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो वो क्लिनिक, अच्छा क्लिनिक होना चाहिए और तो चाहिए कि जो ग्राफ्ट्स वो एक्सट्रैक्ट करें आपके डोनर एरिया से वो स्टेबल साइट से लें, ना कि अनस्टेबल साइट से। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, यानी कि अगर आप डायबिटीज, स्ट्रेस, इसके अलावा थायराइड जैसी बीमारियों में पड़ते हो या इससे अफेक्टेड होते हो तो फिर जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसके गिरने की रफ्तार बढ़ सकती है और वक्त से पहले ये गिर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये हार्मोन पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी सलमान खान, लगभग 20 साल हो गए होंगे उनके ट्रांसप्लांट को और आप देखोगे कि उस वक्त से लेकर अब तक में उनके जो बाल हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर है। उसी जगह पे अगर आप वीरेंद्र सहवाग को ले लें जिनका ट्रांसप्लांट आज से 5 साल पहले हुआ था, तो आप देखेंगे कि विद इन 3 to 5 years ही हैज लॉस्ट मेनी ऑफ हिज हेयर। रीज़न ये कि उनका जो बैक है यानी डोनर एरिया जहाँ से ग्राफ्ट निकाले गए, डैट वॉज नॉट गुड। जो ग्राफ्ट थे, जो ग्राफ्ट निकाले गए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो इतने लंबे समय तक टिक पाते और चूँकि बैक डोनर एरिया उनका बहुत लिमिटेड था इसलिए जो अनस्टेबल साइट थे वहाँ से भी काफ़ी हद तक हेयर्स निकाले गए थे
और जहां अनस्टेबल साइट है डीएचटी का असर वहां ज्यादा पड़ता है और यही वजह है कि विद इन 3 to 5 years ही हैज लॉस्ट मेनी ऑफ हिज हेयर। अब देखिए सुनील गवस्कर और रवि शास्त्री जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से 7 से 8 साल पहले करवाया था, उनका हेयर ट्रांसप्लांट उस वक्त जब रिजल्ट उनकी जो थी और आज की तारीख में दोनों अगर आप कंपेयर करोगे देन यू कैन सी कि काफी हद तक ही हैज लॉस्ट हिज हेयर्स, ट्रांसप्लांटेड हेयर्स। अब हर्षा भोगले को आप अच्छी तरह से जानते हो, इन्होंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था आज से 10 से 12 साल पहले। उस वक्त की कंडीशन और अभी की कंडीशन में आप दोनों में देख सकते हो कि ही हैज लॉस्ट सम ऑफ हिज हेयर्स। तो दोस्तों इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया जहाँ से ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं वो स्टेबल साइट से लिया जा रहा है या अनस्टेबल साइट से। इसके बाद आप अगर किसी तरह के मेडिकल कंडीशंस में पड़ते हो तो आप अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर को लूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेनोक्सिडिल और बायोटिन वगैरह आपको लेते रहना चाहिए। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद रिजल्ट आने के बाद आप इसे बिल्कुल स्टॉप कर देते हो तो आपका हेयर लॉस वापस से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ना भूलें और अगर ट्रांसप्लांट आपने करवाया है तो मेनोक्सिडिल रेगुलर यूज़ करें, साथ ही साथ बायोटिन का इस्तेमाल करते रहें। और अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।